अभी तक हम लोग डिस्कस किए हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है ना, और बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है ना, उसमें बहुत सारा पार्ट हम लोग डिस्कस किए थे। अब हम लोग का पार्ट है नेक्स्ट, व्हाट इज आवर नेक्स्ट पार्ट, आवर नेक्स्ट पार्ट इज फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड है ना क्यूबिक यूनिट सेल है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है ना। अब नाम से ही लग रहा है क्या, अब एटम तो सब में कॉर्नर पे प्रेजेंट है, सिंपल में भी कॉर्नर प्रेजेंट था, बॉडी सेंटर में भी कॉर्नर प्रेजेंट था, तो फेस सेंटर में भी ऑब्वियस है कि होगा ही होगा कॉर्नर पे। अब नाम से ही लग रहा है क्या, फेस सेंटर मतलब एटम कहाँ होने वाला प्रेजेंट, कॉर्नर पे एज वेल एज फेस सेंटर है ना। एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होने वाला, कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर है ना। अब अगर हम लोग यहाँ से अगर देखें इस तरह से, अगर हम यहाँ से देखें है ना, फिर से दो पेन यूज कर रहे हैं है ना, ये कॉर्नर वाला एटम सब है, दिस इज कॉर्नर एटम है ना, फेस सेंटर वाले एटम को रेड से दिखा रहे हैं ना। इस फेस पे एटम प्रेजेंट होगा, इस फेस पे भी प्रेजेंट होगा, इस फेस पे भी प्रेजेंट होगा, इस फेस पे भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये बैक वाला फेस और ये फ्रंट वाला फेस है ना, ठीक है। हाँ, अब बात ये है कि बॉडी सेंटर में जब बॉडी पे एटम को रखे थे तो एटम कौन कौन टच कर रहा था, कॉर्नर वाला एटम और बॉडी सेंटर वाला एटम क्या कर रहा था, टच कर रहा था। कॉर्नर कॉर्नर वाला एटम का कॉन्टेक्ट क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था है ना। तो फेस सेंटर में क्या होगा, जैसे ही फेस पे एटम रखे तो फिर से क्या होगा, फिर से कॉर्नर कॉर्नर वाला एटम एक दूसरे को टच नहीं करना कर रहा होगा। अब कौन सा एटम टच कर रहा होगा, ये फेस सेंटर वाला एटम इसको टच कर रहा होगा, इसको भी टच कर रहा होगा, इसको भी टच कर रहा होगा, इसको भी टच कर रहा होगा। बात समझ में आ रहा ना, कहने का मतलब ये फेस वाला आइटम इसको 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 टच कर रहा होगा। मतलब अब कॉन्टेक्ट किस में रहेगा, कॉर्नर वाला आइटम फेस सेंटर वाला क्या करेगा, टच करेगा, फेस सेंटर वाला आइटम कॉर्नर वाला को टच करेगा, ठीक है, है ना। बेसिकली अगर इसको देखना चाहें तो इसको कैसे हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग देखना चाहें तो ये कैसे दिखेगा है ना, फेस पे क्या होगा, इस तरह से एटम प्रेजेंट होगा है ना, फेस पे क्या होगा, इस तरह से एटम प्रेजेंट होगा, ये फेस वाला एटम है ना, और कॉर्नर वाला एटम सबका क्या कर रहा होगा, इसको टच कर रहा होगा है ना, ये कॉर्नर वाला एटम इसको टच कर रहा होगा, ये कॉर्नर वाला एटम इसको टच कर रहा होगा, ये कॉर्नर वाला एटम टच कर रहा होगा, ये कॉर्नर वाला एटम इसको टच, क्या बताओ कॉर्नर कॉर्नर वाला एटम में कोई कॉन्टेक्ट है, नहीं है, इस कॉर्नर वाले में कोई कॉन्टेक्ट नहीं, इस कॉर्नर वाले में नहीं, इस अब किस में कॉन्टेक्ट, फेस वाला किसको टच कर रहा है, कॉर्नर वाले को है ना। बताओ फेस सेंटर का लेंथ क्या बताए थे, सॉरी फेस डायगोनल का लेंथ क्या बताए थे आप लोगों को, रूट टू ए है ना। अगर ये डिस्टेंस ए है तो इसका क्या हो जाएगा, रूट टू ए है ना। तो क्या अब हम लोग लिख सकते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, एज लेंथ और आर में क्या रिलेशन होगा, रूट टू ए इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, फोर आर, दिक्कत है नहीं ना, रूट टू ए इजकल टू आपका क्या हो जाएगा, फोर आर। तो ए इजकल टू आपका क्या हो जाएगा बताइए, फोर आर बाई रूट टू, ए इजकल टू क्या हो जाएगा, फोर आर बाई रूट टू है ना, प्रॉब्लम है नहीं ना। अच्छा इसमें लैटिस पॉइंट तो आप लोग बताए नहीं, लैटिस पॉइंट कितना होगा, एटम कहाँ कहाँ जा रहा है, कॉर्नर फेस पे, आठ कॉर्नर पे प्लस सिक्स फेस सेंटर पे, मतलब टोटल लैटिस पॉइंट कितना हो जाएगा, एट प्लस सिक्स फोर्टीन, एट प्लस सिक्स कितना हो जाएगा, फोर्टीन। तो लैटिस पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो एट कॉर्नर वाला से आ रहा है और सिक्स कहाँ से आ रहा है, फेस सेंटर, कितना हो जाएगा लैटिस पॉइंट, फोर्टीन लैटिस पॉइंट है ना। एज लेंथ और आर में रिलेशन हम लोग निकाल दिए है ना। नेक्स्ट क्या हम लोग कैलकुलेट करते थे, जेड इफेक्टिव है ना। हाँ नेक्स्ट अब हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, जेड इफेक्टिव। अब देखिए एटम तो जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, सी फोर कॉर्नर उसका तो कंट्रीब्यूशन कितना है, वन बाई एट है ना। फेस कितना होता है, किसी क्यूब में सिक्स फेस होता है, हर फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। अब बात है कि फेस सेंटर वाला का कंट्रीब्यूशन कितना है, फेस सेंटर वाला का कंट्रीब्यूशन कितना है। अब एक चीज़ बताओ, ये क्यूब है, ये क्यूब है ना, इसके ऊपर भी एक क्यूब होगा इस तरह से, इसके ऊपर भी एक क्यूब होगा ना जी, इसके ऊपर भी एक क्यूब होगा इस तरह से, कुछ इस तरह से क्यूब होगा ना इसके ऊपर है ना। तो अगर यहाँ पे अगर इस फेस पे अगर एटम को रखते हैं इस फेस पे, तो इस बताओ ये वाला फेस, इस क्यूब का फेस कितने क्यूब में कॉमन है, दो क्यूब में कॉमन है। ये वाला फेस कितने क्यूब में कॉमन है, दो क्यूब में। मतलब अगर उस फेस पे अगर एटम को रखें तो कितना क्यूब में बटेगा, दो क्यूब में। मतलब व्हाट इज कंट्रीब्यूशन, वन बाई टू इज कंट्रीब्यूशन। तो कॉर्नर वाला कंट्रीब्यूशन वन बाई एट,
बॉडी सेंटर पे जो एटम को रखे थे उसका कंट्रीब्यूशन 1, और फेस सेंटर पे रखेंगे तो कंट्रीब्यूशन 1/2। क्यों कंट्रीब्यूशन 1/2 हुआ? क्योंकि एटम का आधा पार्ट ऊपर चला गया, आधा पार्ट नीचे। अगर अगर इस फेस पे अगर एटम को रखोगे तो इधर भी ये क्यूब होगा इस तरह से, इधर भी कुछ इस तरह से क्यूब होगा, है ना। तो ये वाला फेस कितना क्यूब से है? 2 क्यूब से है। मतलब एटम जो रखेंगे वो भी कितना पार्ट बटेगा? 2 भाग में। इसीलिए कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/2। तो इसमें कितना आ रहा है? 1+3 कितना आ रहा है? 4। कितना आ रहा है? जेड इफेक्टिव 4 आ रहा है। प्रॉब्लम है? अच्छा एक चीज़ बताओ, क्या जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 आया था, बॉडी सेंटर में कितना आया था? 2। फेस सेंटर में कितना आ गया? 4। तो आप लोग क्या ऐसा सोच सकते हो, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम बढ़ रहा है तो पैकिंग एफिशिएंसी भी बढ़ रहा था। तो क्या क्या लग रहा है, मतलब इसका जो एफिशिएंसी आएगा बाकी दोनों से तो क्या आएगा? ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम क्या आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है। दिक्कत है नहीं ना, समझ में आ रहा है? अब वो कितना आएगा वो हम लोग देख लेंगे। फिलहाल में तो अभी ये पार्ट में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, है ना। हाँ अब देखिए, इसको हटा दें, रिमूव कर दें, है ना। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम। वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होता है, जिसको हम लोग वी ए सी भी लिखते थे, है ना। जेड इफेक्टिव कितना है? 4। एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यू। ये कितना आपका हो जाएगा? 16/3 पाई आर क्यू। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? नहीं ना। अब क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ यू सी। वॉट इज द मीनिंग ऑफ यू सी? नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, है ना। हाँ तो वो क्या होगा आपका? ए क्यू। ए हम लोग कितना निकला है? 4r/√2। मतलब क्या हो जाएगा? 4r/√2 का क्या हो जाएगा बताइए? होल क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से क्यूब का वॉल्यूम भी पता चल गया, वो कितना हो जाएगा बताइए? 64r³/2 ये क्या हो जाएगा? 2√2। किसी को प्रॉब्लम है? नहीं ना। 2 से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 32। क्या हो जाएगा? 32r³/√2। प्रॉब्लम है? नहीं ना। हाँ उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे पैकिंग। क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग? पैकिंग फ्रैक्शन, है ना। हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन। अब पैकिंग फ्रैक्शन आपका क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एटम। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यही होता है ना। अब वॉल्यूम ऑफ एटम हम लोग का कितना निकल गया? 16/3 पाई आर क्यू, यही निकला है ना। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना निकल रहा? 32r³/√2। बताइए कितना आ रहा है कैलकुलेट करके पैकिंग फ्रैक्शन? ये आपका आ रहा होगा कितना आ रहा? पाई बाई रूट टू पाई बाई 6। क्या सही है? सबका वही आ रहा है क्या? देख लो एक बार कितना आ रहा है। रूट टू पाई बाई 6 कितना आ रहा है? रूट टू पाई बाई 6 सबका यही आ रहा होगा, है ना। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 100 से। मतलब रूट टू पाई अपॉन 6 इंटू क्या आ जाएगा? 100, है ना। जब इसको कैलकुलेट करोगे आप लोग तो ये आ जाएगा आपका 74% आएगा। कितना आएगा? 74%। क्या लग रहा है आप लोगों को, पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ना ही था, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा था। जेड इफेक्टिव 1 आया था, फिर 2 आया, फिर 4 आया, ठीक है। जेड इफेक्टिव बढ़ा था, पैकिंग फ्रैक्शन भी क्या हो गया? बढ़ गया। अब देखो, देखिए आप लोग, अब यूनिट सेल का बात करें तो कौन ज़्यादा अच्छा होगा? एफसीसी ज़्यादा अच्छा होगा, पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? ज़्यादा है, है ना। अब अगर इसमें हम लोग इसमें अगर परसेंटेज वाइड कैलकुलेट करें, परसेंटेज वाइड कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा? 100-74 ये क्या हो जाएगा बताइए? 36% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26% हो जाएगा, है ना। तो परसेंटेज वाइड सबसे कम किस में मिल रहा है? सबसे कम एमपीटी स्पेस किस में मिल रहा है इसमें? तो अगर क्रिस्टल लैटिस का बात करें तो अभी बाकी जो 3 पढ़े उन तीनों में सबसे अच्छा कौन होगा? एफसीसी। उन तीनों में क्या होगा? हाँ बाद में हम लोग पढ़ेंगे ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि ए बी टाइप SCP देता है। क्या देता है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देता है, मतलब उसमें SCP अरेंजमेंट बनता है ए बी टाइप में। और ए बी सी टाइप में क्या बनता है? FCC बनता है।
फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। तो बेसिकली ये जो यूनिट सेल बना होगा ना एटम के ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट से बना होगा, है ना, वो एन सी आर टी में भी लास्ट में दिया होगा, है ना। तो वो हम लोग बाद में देखेंगे, वो बात का पार्ट है। अभी तो बेसिकली हम बताना चाह रहे थे कि एफ सी सी में ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट से बनता है ना। अब वो क्या होता है वो अगले लेक्चर्स में आएगा, नेक्स्ट लेक्चर्स में आएगा ए बी सी क्या होता है, ठीक है ना। हाँ, तो इसे परसेंटेज वाइज कितना मिल गया, 26%। इसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट किए थे, कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये कॉर्नर वाला एटम को कौन एटम टच कर रहा हो, क्या ये कॉर्नर वाला टच कर रहा होगा, नहीं, क्या ये कॉर्नर वाला एटम टच कर रहा होगा, नहीं, क्या ये कॉर्नर वाला एटम, नहीं, कॉर्नर वाला तो एटम टच ही नहीं करता। कौन सा एटम टच करता है, फेस सेंटर वाला। कौन सा एटम टच करता है, फेस सेंटर वाला। अब बताओ ये पूरा डिस्टेंस कितना है, रूट थ्री है। रुको इसको पहले पूरा साफ करके एक बार अच्छे से बताते हैं, मतलब है ना, अच्छे से मतलब क्लियर हो जाएगा पूरा। ये सब तो नोट कर लिए होंगे आप लोग, सबका हो गया होगा नोट, है ना। देखिए है ना, बेसिकली ये डिस्टेंस आपका कितना है, रूट टू ए है, कितना है, रूट टू ए, है ना। यहाँ पे एटम है, ये एटम एकदम फेस के एकदम बीच में है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट टू ए बाई टू, कितना हो जाएगा, रूट टू ए बाई टू। बात समझ में आ रहा ना। अब बताओ क्या ये वाला एटम और ये वाला एटम टच कर रहा है, ये दोनों एटम टच कर रहा है, मतलब रूट टू ए बाई टू डिस्टेंस वाला एटम क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है। क्या अभी हम लोग ट्रिक लिखे थे, रूट टू ए हो या फिर रूट टू ए बाई टू हो, कितना होता है उसका नंबर, कितना होता है, 12। अभी किए थे ना हम लोग, रूट टू ए वाला हो या फिर रूट टू ए बाई टू हो, कितना होगा उसका नंबर, 12। इट मीन्स क्या, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 12 निकल जाएगा। और यही हम लोगों क्या हो जाएगा, नियरेस्ट नेबर। क्या यही हम लोगों का नियरेस्ट नेबर भी होगा, नियरेस्ट नेबर भी होगा, है ना। तो ट्रिक बहुत ज़्यादा मतलब यूज़फुल हो जाता है ना। अब इसको देखना चाहे तो हम लोग देख भी सकते हैं 12 कैसे आया। देखो ये वाला फेस वाला एटम टच कर रहा होगा, इस फेस पे जो एटम है वो भी टच कर रहा होगा, और पीछे जो फेस है बैक वाला फेस वो भी एटम क्या कर रहा है, इस पर टच कर रहा होगा। एक रूम से कितना मिला, 3 मिला। कॉर्नर वाला एटम को कितना रूम से देखना रहता है, 8 रूम से, 8 रूम से देखना रहता है, बता चुके हैं क्या क्यों देखना रहता है ना। तो एक रूम में 3 आ रहा है तो 8 रूम में कितना हो जाएगा, 24। लेकिन जैसे ही इसको हम लोग काउंट किए तो ये ऊपर वाला रूम में भी कॉमन हो गया, नीचे वाले में, मतलब इसको हम लोग 2 बार काउंट कर लिए, तो 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल जाएगा, 12। दिक्कत है नहीं ना। हाँ अच्छा एक चीज़ और देखिए आप लोग, इसमें अगर हम लोग एटम का बात करें, है ना, एटम का बात करें तो एटम या फिर कितना पे मिलेगा, रूट टू ए बाई टू पे मिलेगा, या फिर एटम ए डिस्टेंस पे मिलेगा। ग्रीन वाला एटम कौन सा डिस्टेंस मिल रहा है, ए डिस्टेंस पे मिल रहा है ना। ये कितना डिस्टेंस मिल गया आपका, रूट टू ए बाई टू। एक बार अच्छे से, है ना, नियरेस्ट नेबर कितना पे मिलता है, रूट टू ए बाई टू, इसका नंबर कितना हो गया, 12। अब उसके बाद क्या, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, आगे भी चलता जाएगा, है ना। हाँ अब इसके बाद नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर क्या होगा, ए डिस्टेंस पे होगा, ए, है ना, ए। नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितना डिस्टेंस पे होगा, रूट टू ए, रूट टू ए पे होगा, है ना, रूट टू ए। क्या इस फेस सेंटर में, बॉडी सेंटर में एटम प्रेजेंट है, नहीं, तो रूट थ्री ए बाई टू वाला कुछ भी नहीं है, रूट थ्री ए बाई टू नहीं है, क्योंकि बॉडी पे नहीं है तो रूट थ्री ए बाई टू नहीं है। अब कौन सा लेंगे, रूट थ्री ए कौन सा लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, समझ में आ रहा है ना। हाँ तो ये कितना पे मिल जाएगा, रूट थ्री ए। अब क्या सबका नंबर हम लोग निकाल सकते हैं ट्रिक से, ए वाला बता चुके हैं कैसे आता है, अब हम बताने नहीं जाएंगे, अब ट्रिक से लिखेंगे। ए वाला कितना मिल जाएगा, 6, और रूट टू ए वाला कितना मिलेगा, 12, और रूट थ्री ए वाला कितना मिल जाएगा, 8। दिक्कत है नहीं ना। अब क्वेश्चन ऐसे देता है, इन ए फेस सेंटर क्यूबिक, लिखिएगा, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते, है ना, ऐसे देगा क्वेश्चन, इन ए फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर इज 1.732 आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना। क्या बोले, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर इज 1.732 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसका मतलब क्या है, वो क्या दिया हुआ है, रूट थ्री बाई रूट टू ए बाई टू दिया हुआ है, क्योंकि नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस कितना है, रूट टू ए बाई टू,
तो नथिंग बट रूट टू ए बाई टू क्या गिवन है आपका, क्या दिया हुआ 1.732 आर्मस्ट्रांग ये दिया हुआ है। तो उसमें पूछ देता कि व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, तो यहाँ से एज लेंथ क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो लैंग्वेज के फॉर्म में देता है नियरेस्ट नेबर के बीच का डिस्टेंस इतना है, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर के बीच का डिस्टेंस कितना है, या फिर पूछ देगा कि बताइए कितना नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर वाला कितना आइटम आपको मिलेगा, तो उसके लिए है ना, ठीक है ना। अच्छा ये कैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग नियरेस्ट नेबर से नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर पे कैसे जाते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस, सबसे छोटा ए सॉरी सबसे छोटा रूट टू ए बाई टू, फिर ए, फिर रूट टू ए, फिर रूट थ्री ए। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर डिस्टेंस में नियरेस्ट नेबर आता है, फिर नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर आता है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट आता है, दिक्कत है। अब कुछ स्पेशल चीज़ हम लोग डील करेंगे, अब हम लोग डील करेंगे ध्यान से कि एक चीज़ तो हम लोग को समझ में आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहे हैं, सुनो सब लोग सुनो, है ना, कि ये एटम तो इसको टच कर रहा, ठीक है, ये एटम इसको भी टच कर रहा, मतलब इस कॉर्नर से कितना फेस है, ऊपर वाला फेस, लेफ्ट वाला फेस और बैक पीछे वाला फेस, पीछे वाला फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस, तीन फेस है। इस तीनों फेस पे एटम जो था इसको क्या कर रहा था, टच कर रहा था, ठीक है ना। मेरा क्वेश्चन ये है क्या ये फेस पे जो एटम प्रेजेंट है और इस फेस पे जो एटम प्रेजेंट है क्या वो दोनों आपस में भी कांटेक्ट में होगा, मेरा क्वेश्चन ये है, ये फेस पे जो एटम प्रेजेंट है, ये फेस पे भी एटम प्रेजेंट है, क्या वो दोनों भी एक दूसरे को टच कर रहा होगा, तो हम बोलेंगे कि हाँ टच कर रहा होगा, बस इसमें आ रहा ना, वो दोनों भी एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा, है ना। बेसिकली हम बताना क्या चाह रहे हैं बताओ, ऊपर वाला फेस है, ऊपर वाला फेस कितना फेस से जुड़ा हुआ है, राइट लेफ्ट बैक और फ्रंट, ऊपर वाला फेस को देख रहे हैं, वो फेस कितना फेस से जुड़ा हुआ है, इस फेस से जुड़ा हुआ है, इस फेस से जुड़ा हुआ है, मेरे सामने वाला फेस से जुड़ा हुआ है, मेरे पीछे वाले फेस से जुड़ा हुआ है। तो हम बताना क्या चाह रहे हैं, इन चारों फेस पे जो एटम, नीचे वाला को छोड़ के, नीचे वाले को छोड़ के, इन चारों फेस पे जो एटम प्रेजेंट होगा ना फेस के सेंटर पे, वो ऊपर वाला जो फेस सेंटर वाला एटम है ना, वो चारों को उसको टच कर रहा होगा, बस समझ आ रहा ना, मतलब ये वाला जो एटम है इस फेस वाला को भी टच कर रहा होगा, ये फेस वाला को भी टच कर रहा होगा, बैक वाला फेस को भी कर रहा होगा, फ्रंट वाला को भी कर रहा होगा, लेकिन नीचे वाले को नहीं कर रहा होगा। अच्छा ये प्रूफ कैसे होगा, हम लोग प्रूफ किए कि रूट टू ए बाई टू डिस्टेंस वाला एटम क्या करता है, टच करता है, रूट टू ए डिस्टेंस वाला एटम क्या करता है, टच करता है। अगर इसको रेसलाइज वगैरह कर दे तो कितना हो जाएगा, ए बाई रूट टू हो जाएगा क्या, रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिए, रूट टू ए बाई टू इंटू रूट टू अपॉन रूट टू कर दिए, कितना हो जाएगा बताओ, ए बाई रूट टू हो रहा है ना। अगर हम लोग ये वाला डिस्टेंस अगर ए बाई रूट टू प्रूफ कर देते हैं, ये वाला डिस्टेंस अगर ए बाई रूट टू प्रूफ कर देते हैं, तो इट मीन्स क्या कि मतलब हम लोग को पता चल जाएगा कि वो एक दूसरे को टच कर रहा है ना। तो एक नया डायग्राम से हम लोग देखते हैं, एक नया डायग्राम से देखते हैं, ये सब हटा है ना, डायग्राम से बता देते हैं। ध्यान से एकदम फ्री होके एकदम समझेंगे, ठीक है ना, फ्री होके। यहाँ पे एक आइटम प्रेजेंट है और यहाँ पे, इसको हम ग्रीन से थोड़ा बनाते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा, रेड या ग्रीन कोई भी कलर है ना। यहाँ पे आइटम प्रेजेंट है और यहाँ पे आइटम प्रेजेंट है ना। अगर ये वाला डिस्टेंस अगर हम लोग ए बाई रूट टू प्रूफ कर देते हैं, इट मीन्स क्या, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है। अब एक चीज़ बताओ, ये पूरा एज लेंथ क्या है, ए है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस ए बाई टू लिख सकते हैं ना, ये वाला डिस्टेंस को ए बाई टू लिख सकते हैं ना, हाफ है ना, एकदम सेंटर पे है ना, ये भी एकदम सेंटर पे, तो ये वाला डिस्टेंस को भी कितना लिख सकते हैं, ए बाई टू लिख सकते हैं, बोलो ए बाई टू लिख सकते हैं ना। ये ट्राइंगल ए बी सी है ना, ट्राइंगल ए बी सी क्या लगा देंगे, पाइथागोरस है ना, बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, रूट अंडर ए स्क्वायर बाई फोर प्लस ए स्क्वायर बाई फोर, कितना आ रहा है, 2a स्क्वायर बाई फोर, कितना हो जाएगा, a बाई रूट, कितना हो जाएगा, a बाई रूट टू है ना, प्रूफ हो गया ना। a बाई रूट टू प्रूफ होने का मतलब क्या है कि ये दोनों एटम भी एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से भी डिस्टेंस क्या था, a बाई रूट टू, मतलब a बाई रूट टू वाला जब टच कर रहा है, इट मीन्स ये दोनों एटम भी क्या कर रहा है, एक दूसरे को टच कर रहा होगा, दिक्कत है नहीं ना, प्रूफ हो गया ना।
तो बात समझ में आ रहा है? तो अब आ रहा है समझ में? मतलब यहाँ पे जो एटम होगा वो भी कितना डिस्टेंस पे होगा? ए बाई रूट टू। दिक्कत है? नहीं ना, सुनते रहना। सामने वाला फेस, सामने वाला फेस को हम यहाँ बनाएंगे, ये भी कितना पे प्रेजेंट होगा? ए बाई रूट टू। दिक्कत है? नहीं ना। बैक वाला इधर बना देते हैं यहाँ पे, है ना, ये भी कितना प्रेजेंट होगा? ए बाई रूट टू। मतलब ये ऊपर वाला जो आइटम है ना, ये चारों फेस वाला आइटम को क्या कर रहा हुआ? टच कर रहा हुआ। दिक्कत है? नहीं ना, बोलो। एक चीज और, दिक्कत नहीं, सुनो। ये फेस वाला आइटम है ना, मतलब ये लेफ्ट फेस वाला आइटम और बैक, समझ में आ रहा ना? मतलब मेरे से राइट और ये वाला फेस और ये वाला फेस, ये दोनों का भी डिस्टेंस निकालोगे तो ये भी कितना आएगा? ए बाई रूट टू ही आएगा। मतलब समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब है सिंपल, है ना, कि सिंपल अब कैसे, जो फेस है अगर ये वाला फेस देख रहे हैं तो इस फेस से कितना फेस है? ये वाला फेस है ऊपर वाला फेस है और नीचे वाला फेस है। ये वाला आइटम चारों फेस सेंटर वाला आइटम को क्या कर रहा है? टच कर रहा होगा। मतलब जो फेस को देखेंगे उस फेस से जितना फेस कनेक्टेड होगा ना, वो सारे फेस वाला आइटम को टच करेगा। सिंपल लैंग्वेज में एक बार और, जो फेस को लेंगे उसके सामने वाला फेस, एकदम उसके जस्ट सामने वाला फेस को छोड़ देंगे, उसके बचा हुआ जितना ही फेस होगा सब एटम को क्या करेगा? वो टच करेगा। दिक्कत है? नहीं ना। अब ये वाला फेस को देखेंगे तो इसके ये वाला फेस वाला सेंटर को एटम को टच नहीं कर रहा होगा, अब बाकी चारों को कर रहा होगा। दिक्कत है? बात समझ में आ गया ना? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। दिक्कत है? सुनो, कॉर्नर से तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग निकालना सीख गए, 12 कॉर्नर से 12 निकालना सीख गए। कैसे आया? अब हम सीखना चाहते हैं फेस सेंटर से 12। फेस सेंटर से मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कहीं से भी देखो, सिंपल के एसएससी में, बीसीसी में और एफसीसी में, क्या बोले? एसएससी, बीसीसी, एफसीसी, सिंपल क्यूबिक में, बॉडी सेंटर में और फेस सेंटर में, तीनों में कोई भी आइटम को उठा लो, कहीं से भी देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। किसी भी आइटम से देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? सेम आएगा। तो इसमें भी आना चाहिए, है ना। बॉडी सेंटर में भी हम लोग देखे थे, बॉडी से भी देख रहे थे तो 8 आ रहा था, और कॉर्नर से भी देख रहे थे तो 8 आ रहा था, हम लोग देख चुके हैं। फेस सेंटर में हम लोग कॉर्नर से देखे हैं तो 12 आ चुका है। अब हम लोग फेस से देखना चाहते हैं। सुनो, बोलते जाना। ये फेस वाला आइटम ये चारों कॉर्नर वाला को टच कर रहा है, और ये फेस सेंटर वाला आइटम लेफ्ट फेस, राइट फेस, फ्रंट फेस और बैक फेस वाला आइटम को भी टच कर रहा है। कितना मिल गया? 8 मिल गया, 4 कॉर्नर से मिल गया, 4 फेस से मिल गया, इससे हम लोग देख रहे हैं। किसी को दिक्कत है? नहीं ना। अब बताओ, इसके ऊपर भी तो क्यूब है भाई, इसके ऊपर भी क्यूब है ना, इसके भी ऊपर भी क्यूब है, इस तरह से है ना क्यूब। मतलब ऊपर वाले क्यूब में भी तो ये फेस और बैक वाला फेस, समझ में आ रहा ना, उसमें भी तो 4 आइटम होगा, उसको भी क्या कर रहा होगा? टच कर रहा होगा। तो कितना हो गया? 4 सेम प्लेन में, मतलब 4 कॉर्नर से, 4 नीचे वाला फेस से और 4 ऊपर वाला फेस से। कुछ नया, कितना आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर 12। दिक्कत है नहीं ना। 4 सेम प्लेन में मिल गया हमें एटम, 4 नीचे वाला फेस में, 4 ऊपर वाला, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 12 हो गया। बस है, मतलब कॉर्नर से देखो या फिर फेस सेंटर से देखो, कहीं से भी देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमेशा कितना आने वाला? 12 आने वाला। एक चीज़ और बताते हैं साथ में ही, वैसे तो ये आगे का पार्ट है लेकिन साथ में बताएंगे। तुम लोग देखो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या इस वैसे नेक्स्ट 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 टू नेक्स्ट क्लास में आएगा वॉइड वगैरह, है ना। अभी हम सिंपली आपको बताना चाह रहे हैं कि वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बनता है, 4 एटम सेम प्लेन में, 1 एटम ऊपर और 1 एटम उसके नीचे, मतलब 4 एटम सेम प्लेन में, 4 एटम सेम प्लेन में, एक ऊपर से एटम रखें और एक नीचे से एटम रखें, बीच में जो स्पेस बनेगा ना वो ऑक्टाहेड्रल क्या बनता है? वॉइड बनता है। फिर से सुनो, 4 एटम सेम प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे से, जो बीच में जो स्पेस बनेगा वो क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये आगे की क्लास में पढ़ना है, लेकिन अब चूंकि साथ में पढ़ा रहे हैं तो हम यहीं भी बता देंगे क्या बनेगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। हम आपको बोल रहे हैं कि फेस सेंटर एफसीसी में बॉडी पे, मतलब क्यूब के बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, क्या ये कहना सही होगा? बिल्कुल सही होगा। वो कैसे? देखो, ये 4 फेस हैं, यहाँ पे ये चारों हो गया इस तरह से, क्या ऊपर वाला आइटम ये चारों फेस वाला आइटम को टच कर रहा है?
चारों फेस वाला एटम को टच कर रहा है, दिक्कत है नहीं ना। और नीचे जो एटम है, बॉटम में जो एटम है, मतलब ये वाला एटम, यहाँ पे जो एटम है ये भी चारों फेस वाला एटम को टच कर रहा होगा। बता चुके हैं जो फेस है वो फेस, जितना फेस से जुड़ा हुआ सब फेस को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। तो चार एटम, समझ रहा ना, चार फेस ये हो गया, चार फेस ये हो गया, एक ऊपर से एटम आया, एक नीचे से आया, बीच में जो वॉइड बना वो कौन सा वॉइड बना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कौन सा वॉइड बना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दिक्कत है, एक तो हम देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड दो अरेंजमेंट से बनता है, एक तो इस टाइप के अरेंजमेंट से बनता है और एक टाइप का अरेंजमेंट और होता है। ये अगर छह एटम को इस तरह से अरेंज करें तो इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, और छह एटम को इस तरह से भी अरेंज करें तो कौन सा वॉइड बनता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये आगे पढ़ाना लेकिन साथ में हम बताते हुए चल रहे हैं ना, मतलब इस टाइप के अरेंजमेंट से भी क्या बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सुनो, तो एफसीसी में जो बॉडी पे बन रहा है ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये वाला अरेंजमेंट हम सिखा दिए अभी, चार फेस, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया। अब हम इससे सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, तुम लोग ध्यान से सुनना। सुनो, ये कॉर्नर पे है, ठीक है ना, ये ऊपर वाला जो फेस है, ऊपर वाला फेस और लेफ्ट वाला फेस, क्या बोल रहे हैं, ऊपर वाला और लेफ्ट वाला, मतलब ये वाला और ये वाला दिखाई दे रहा है, और पीछे वाला ये, ठीक है, मतलब ऊपर ये और ये, समझ रहा, ऊपर ये और ये, ये तीनों आइटम भी टच कर रहा है, बताए थे फेस वाला है तो इसको भी टच कर रहा होगा, इसको भी टच कर रहा होगा, है ना। तीन आइटम यहाँ से मिल गया, इस तरह से तीन फेस चला गया हम लोगों को, तीन फेस, ऊपर वाला फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस, ऊपर वाला फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस, तीन आइटम मिल गया इस तरह से, तीन फेस चला गया। अब उधर उस कॉर्नर से देखेंगे, नीचे वाला फेस, मेरे सामने वाला फेस और ये वाला फेस, वो भी तीन आइटम मिल गया, वो तीनों किस तरह से आ रहा होगा, ये एक सेकेंड बना के बता रहे हैं ना, वो कैसे आ रहा होगा, ये तीन आइटम, ये और ये इस तरह से आ रहा होगा, तो बीच में जो वाइट बन रहा होगा कौन सा वर्ण बन रहा होगा, ऑक्टाहेड्रल वाइट, समझ में आ रहा ना। तो ये दोनों अरेंजमेंट हम बताएं कि एफसीसी में बीच में क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल वाइट, चार सेम प्लेन में, एक ऊपर से एक नीचे से, तो ऑक्टा बन गया, तीन फेस वाला ये और तीन जो फेस बच गया है वो मिल के भी ये क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वाइट। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो फेस है वो हर बगल वाला फेस को, बस सामने वाला को छोड़ के हर फेस वाला आइटम को क्या करेगा, टच करेगा, तो वैसे भी क्या बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा फिर से, वहाँ पे बताएंगे, है ना, क्योंकि साथ में आ रहा था तो हम बता दिए, दिक्कत है नहीं ना। हाँ, अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज पे भी बनता है ना, वो कैसे बनता है वो बता देते हैं, है ना, अब पूछ लिया तो बता देते हैं, है ना, वैसे तो नेक्स्ट क्लास का है लेकिन बता देते हैं, है ना, होपफुली कि ऑनलाइन स्टूडेंट वाले को मतलब दिक्कत ना हो, है ना, ऑनलाइन वाले को दिक्कत ना हो, चलो बता देते हैं ना, है ना, पहले ये नोट कर लो जल्दी से। अब ये मत पूछ देना कि सर एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड भी कैसे बनता है, ये सब नेक्स्ट पार्ट है, अगले आगे का पार्ट है ना, एफसीसी में ऑक्टा भी बनता है और टेट्रा भी बनता है ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी बनता है, टेट्राहेड्रल वॉइड, तो वो सब आगे पढ़ाना है ना, लेकिन अब पूछा तो बताते हैं, हो गया ना। हाँ, अब देखो क्वेश्चन है स्टूडेंट का कि एज सेंटर पे भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है तो वो कैसे बनता है, उसको प्रूफ करना है ना। अगर हम लोग प्रूफ कर दें कि चार सेम प्लेन में है, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो प्रूफ हो जाएगा। अब देखो, बस मन के दृष्टि से देखो, मन से सोचो, समझ में आ जाएगा। बोलो, ये वाला जो एटम है इसको टच कर रहा होगा, इसको भी टच कर रहा होगा, ठीक है, और इस रूम के जस्ट पीछे जो होगा ना, रूम के जस्ट पीछे उसके फेस पे भी एटम होगा, समझ में आ रहा ना, वो एटम भी इसको और इसको टच कर रहा होगा। चार मिल गया ना सेम प्लेन में, दो कॉर्नर, एक फेस ये वाला और इस रूम के जस्ट पीछे वाला, रूम के फेस सेंटर, ऊपर वाला फेस के सेंटर पे है, चार सेम प्लेन में मिल गया, ठीक है, चार सेम प्लेन में मिल गया। ये पीछे वाला फेस पे भी एक एटम प्रेजेंट है, पीछे वाला फेस पे है ना, ठीक है, पीछे वाला फेस पे वो भी इन दोनों को टच कर रहा होगा, और ऊपर वाला में जो फेस पे है वो भी क्या कर रहा होगा, कॉर्नर वाला क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा, समझ आ रहा ना। चार सेम प्लेन में, एक इस फेस पे और इसके जस्ट ऊपर वाला जो फेस है वो मिलके क्या बना रहा होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, आ गया ना समझ में ना।
मतलब चार फेस से देखना है और दो कॉर्नर से। ये दोनों कॉर्नर वाला एटम इसको टच कर रहा है, इस रूम के पीछे है फेस, उसको भी टच कर रहा है, चार हो गया। पीछे वाला फेस, पीछे वाला फेस पे जो एटम है वो भी एक बार रूम चेंज करके बताते हैं ना, इसको चेंज करके बताएंगे जल्दी से, है ना। हाँ चलो देखो ध्यान से, ठीक है। हाँ यहाँ से इधर से बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा ना। ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर, क्या ये फेस वाला इसको टच कर रहा है? कर रहा है ना। इधर भी एक क्यूब है, इधर भी एक क्यूब है, इधर भी इस तरह से क्यूब है ना, इधर भी एक क्यूब है इस तरह से, है ना। इसके फेस पे भी एटम है, वो भी इसको टच कर रहा है, कर रहा है। चार सेम प्लेन में मिल गया, मिल गया ना। अब इस फेस पे जो एटम है, इस फेस पे लेफ्ट वाला, वो भी इसको टच कर रहा होगा और ये भी इसको टच कर रहा होगा, समझ आ रहा है ना। चार सेम में मिल गया, एक नीचे और एक क्यूब जो ऊपर बनेगा, ऊपर जो बनेगा यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे जो फेस आएगा यहाँ पे, समझ आ रहा ना। तो चार सेम प्लेन में एक नीचे वाला फेस से और एक ऊपर वाला फेस से क्या बन गया, एज पे क्या बन गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मतलब हर एक एज पे क्या बनता है एफसीसी में, एक तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी सेंटर पे बनता है और हर एक एज के सेंटर पे बनता है। क्या बोले, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक बॉडी सेंटर पे बना एफसीसी में, फेस सेंटर यूनिट सेल में, और हर एक एज के सेंटर पे बनता है। तो ये सब नेक्स्ट पार्ट है, अभी हम चूंकि आ रहा था तो साथ में बता दिए, ठीक है ना। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मतलब समझ में आ जाएगा उनको, ठीक है। ठीक है, दिक्कत है नहीं ना। हाँ या क्या समझ में, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ना, अब बता रहे हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड भी बता ही देते हैं साथ में, है ना। टेट्राहेड्रल वॉइड भी आ ही जाता है ना, क्यों छोड़े उसको। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है देखो, तीन एटम, ये ट्रायंगुलर वॉइड बनता है, तीन एटम क्या रखेंगे, ट्रायंगुलर वॉइड। अब इसके ऊपर एक एटम को रख देंगे ना, इसके ऊपर एक एटम को रख देंगे तो बीच में जो स्पेस बनेगा ना वो क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बना, तीन सेम प्लेन में और ऊपर से एक एटम रखे तो कौन सा वॉइड बन गया, टेट्राहेड्रल वॉइड। तीन सेम प्लेन में ऊपर से एक एटम रखे तो क्या बन गया, टेट्राहेड्रल वॉइड, है ना। ठीक है, अब ध्यान सुनना, एक बार बताएंगे समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। बताओ ये मेरे जो राइट फेस पे है, ये फेस पे एटम प्रेजेंट है, ऊपर वाला फेस पे एटम प्रेजेंट है और ये वाला फेस, ये तीनों फेस वाला एटम एक दूसरे को टच कर रहा होगा, ये बताए थे बेसिकली। तो ये फेस इससे जुड़ा हुआ जितना भी फेस है सबको टच कर रहा होगा, लेकिन इन दोनों वाले को भी टच कर रहा होगा, ये फेस है तो इसको भी टच कर रहा होगा, इसको भी टच कर रहा होगा। ये तीनों टच किया, कौन सा वर्ड बना, ट्रायंगुलर। ऊपर से कॉर्नर वाला इसके ऊपर आ गया, कौन सा वर्ड बन गया, टेट्राहेड्रल। दिक्कत है नहीं ना। फिर से एक बार डायग्राम से कोशिश करते हैं समझाने का, होपफुली कि तुम लोगों को समझ में आ जाए। वैसे मेरा मतलब मेरा स्केच वैसे ही बहुत गंदा है, मतलब है ना, ठीक है ना, लेकिन होपफुली कि समझ में आ जाए, मतलब है ना, कोशिश करते हैं, ठीक है। ये फेस वाला टॉप लेफ्ट और बैक वाला, बैक, ये तीनों आइटम, ये तीनों टच कर रहा है, ट्रायंगुलर वाइड बना, और उसके ऊपर से कॉर्नर वाला एटम आ गया एकदम ट्रायंगुलर वाइड के ऊपर, कौन सा बन गया, ऑक्टाहेड्रल वाइड, सॉरी क्या बन गया, टेट्राहेड्रल वाइड, क्या बन गया, टेट्राहेड्रल वाइड, समझ में आ रहा ना। तो ऐसा कितना कितना कॉर्नर है, आठ कॉर्नर है, तो हर एक कॉर्नर के रूट 3a/4 डिस्टेंस पे क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल वाइड। ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा बताया जाता है, किसी यूनिट सेल में जितना एटम है, जितना इफेक्टिव एटम है, उतना ही ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है, उसका 2 times टेट्राहेड्रल वाइड होता है, ध्यान से, है ना। अब एफसीसी में कितना इफेक्टिव नंबर है एटम था, चार, तो टेट्रा कितना हो जाएगा, 4 2s 8, 2 times, और ऑक्टा कितना हो जाएगा, 4। अब वो कैसे होगा हम बताएंगे, है ना, अभी बताएंगे, एज सेंटर पढ़ने के बाद बताएंगे, एज सेंटर पढ़ने के बाद। ये हटा है, कर लूँ, जल्दी फास्ट, है ना। इस टाइप के अरेंजमेंट से कौन सा पॉइंट बनता है, टेट्राहेड्रल वाइड, है ना। एफसीसी में जेड इफेक्टिव कितना आता है, 4,
ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितना आता है 4, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना हो जाता है 8, है ना। 8 तो समझ में आ गया, 4 कैसे हो वो, है ना, ये हो गया। आप लोग देखिए जल्दी से, जल्दी देखिए, ये एज है ना, ये एज कितना रूम से कॉमन हो रहा, मतलब कितना यूनिट सेल से कॉमन हो रहा वो देख लीजिए, वो देखिए, है ना। ये वाला एज इस रूम में भी कॉमन है, इधर जो यूनिट सेल होगा, उसमें भी क्या होगा, कॉमन होगा, ना। ये वाला एज इन दोनों में क्या कॉमन है, और क्या इस दोनों यूनिट सेल के ऊपर भी 2 यूनिट सेल होगा, मतलब ये एज कितना में कॉमन है, 4, कितना में कॉमन है, मतलब अगर यहाँ पे अगर कुछ प्रेजेंट होता है तो वो कितना भाग में बटेगा, 4 भाग में बटेगा, आधा भाग नीचे रह जाएगा और आधा भाग कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, पर आधा भाग का भी आधा एक यूनिट सेल में आएगा, समझ में आ रहा ना। तो जो एज सेंटर पे जो ऑक्टाहेड्रल वाइड बन रहा था, बनने का तो बन रहा था, लेकिन उसका 1/4 पार्ट ही एक यूनिट सेल में आ रहा था, कितना आ रहा था, 1/4 पार्ट ही कितना आ रहा था, एक यूनिट सेल में, है ना, बनने का तो बन रहा था एक, लेकिन 1/4 पार्टी कितना एज है, कंट्रीब्यूशन इसका कितना हो गया 1/4, और एक ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ बन रहा है, बॉडी सेंटर में बन रहा है, और बॉडी सेंटर के एकदम बीच में बनता है उसका कंट्रीब्यूशन 1। ये हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना आ गया, 3+1 कितना आ गया, 4, प्रूफ हो गया ना 4। तो ये सब बाद का पार्ट है, चूंकि अभी पूछे हो तो हम बता दिए साथ में, है ना। देखो जेड फील्ड कितना हो गया 4, है ना, क्या बताएं, किसी यूनिट सेल में जितना एटम है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड और उसका 2 times टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है ना, 4 4 4। आगे SCP पढ़ेंगे ना तो उसमें इफेक्ट जेड इफेक्टिव 6 आएगा, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 आएगा, 12 भी आ जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड, वो सब बात का पार्ट है अभी, नहीं ये समझ में आ गया ना। हाँ, तो इसमें तो इतना ही कुछ बताना था, टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता, ऑक्टाहेड्रल वॉइड सब बता दिए, है ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, है ना, एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। वैसे ये ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना, लेकिन दिया हुआ है तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में, है ना। एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, नाम से ही है, नाम से एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, कॉर्नर पे और एज के सेंटर पे, है ना, कहाँ कहाँ एटम प्रेजेंट होगा, कॉर्नर और एज के सेंटर पे। कितना कॉर्नर होता है किसी यूनिट सेल में, 8 कॉर्नर, मतलब 8 कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होगा इस तरह से, 8 कॉर्नर पे इस तरह से एटम प्रेजेंट होगा। कितना एज होता बताओ किसी क्यूब में, टफ क्वेश्चन पूछ लिए सर आप तो, 12, है ना, कितना होता है 12। तो हर एक एज पे भी क्या होगा, एटम प्रेजेंट होगा इस तरह से, होगा ना, हर एक एज पे इस तरह से प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ प्रेजेंट होगा और यहाँ प्रेजेंट होगा, है ना। अच्छा, अभी हम लोग देखे थे ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा था, 1/4, मतलब एज के सेंटर पे कुछ भी जाएगा कंट्रीब्यूशन 1/4, एटम हो या ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1/4, है ना। तो सबसे पहले, अच्छा सबसे पहले हम लोग देखते हैं लैटिस पॉइंट, 8 कॉर्नर, कितना एज, कितना हो गया 20, कितना हो गया 12+8 कितना हो गया 20, लैटिस पॉइंट कितना हो गया 20, दिक्कत है नहीं ना, रिलेशन बिटवीन, यस बोलो, नहीं नहीं हम लोग एज सेंटर अभी पढ़ रहे हैं, एंड नहीं, एज 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 वाला है ना, एंड नहीं पढ़ रहे हैं। कितना हो गया 8+12 कितना हो गया 20, दिक्कत है नहीं ना। हाँ, अब देखिए, अब ये कौन सा, अब कॉर्नर वाला एटम, ये कॉर्नर वाला एटम है और एज सेंटर वाला एटम क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा इस तरह से, इस तरह से टच कर रहा होगा, कॉर्नर वाला और एज के सेंटर वाला टच कर रहा होगा। अगर ये डिस्टेंस ए है और सबका रेडियस आर है, ये तो 2r हो जाएगा और ये आर, तो एज का टू क्या हो जाएगा बताओ, 4r, एज का टू क्या हो जाएगा 4r, दिक्कत है, एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस में क्या हो जाएगा, एज का टू क्या हो जाएगा 4r, है ना। हाँ, एज का टू क्या हो गया 4r, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। वॉल्यूम ऑफ एटम, सबसे पहले जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर लेते हैं ना, जेड इफेक्टिव, 8 कॉर्नर, कॉर्नर वाला कंट्रीब्यूशन 1/8 बता चुके हैं, है ना, एज सेंटर वाला कंट्रीब्यूशन कितना, एज सेंटर वाला कंट्रीब्यूशन 1/4 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 4, तुम लोगों के मन में आ रहा होगा कुछ कुछ, सर FCC में जेड इफेक्टिव 4 आया था तो पैकिंग फ्रैक्शन 74% आया था,
तो क्या सर जेड इफेक्टिव इसका भी 4 आ रहा है, तो क्या इसका भी 74% आएगा? देख लेते हैं, अभी आ जाएगा 2 मिनट में, देख लेते हैं, है ना, देख लेते हैं, 2 मिनट में आ जाएगा, ठीक है ना। जेड इफेक्टिव कितना आ गया? 4, है ना। अब वॉल्यूम ऑफ एटम कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ एटम क्या हो जाएगा बताओ? 4 × 4/3 πr³। दिक्कत है नहीं ना। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट कर लेते हैं, aq। a क्या है? 4r। 4r का क्या हो जाएगा? q। ये कितना हो जाएगा बताइए? 64 r³। 64 r³, है ना, 64 r³, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है बताओ? वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यही ना। वॉल्यूम ऑफ एटम कितना हो गया? 16/3 πr³। ये क्या हो जाएगा? 64 r³। जल्दी से बताओ ये कितना आ रहा है कैलकुलेट करके। सिंपल कैलकुलेशन है, जल्दी से बता देंगे आप लोग होपफुली। कितना आ रहा है? 5/12। कितना आ रहा है? 5/12 आ रहा है ना। कितना आ रहा है? 5/12। गलत नहीं है, गलत बताएगा, सही है ना, ठीक है, मान लेते, चलो मान लेते हैं ना, सही बोल रहा है तो, है ना। पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगा बताओ? पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100, कितना हो गया? 5/12 × 100। ये कितना हो जाएगा बताइए आप लोग? 26%। कितना आएगा? 26% हो गया ना। एफसीसी में कितना आ रहा था जेड इफेक्टिव? 4, तो आ रहा था 74%। यहाँ पैकिंग एफिशिएंसी कितना आ गया? 26%। सबसे बेकार यूनिट सेल, इसीलिए हम लोग इसको डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन सबसे बेकार आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, है ना। एनसीईआरटी में भी उतना डिटेल में नहीं दिया रहा था, बाकी बुक में भी नहीं दिया रहा था, है ना, क्योंकि हम लोग का मैक्सिमम यूनिट सेल, सॉरी, हम लोग का मैक्सिमम कंपाउंड जो है ना, मैक्सिमम कंपाउंड, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड एफसीसी में एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या अच्छा है। बीसीसी में भी करता है, सिंपल में भी बहुत कम कंपाउंड मिलता है, और इसमें तो 26%, है ना। हाँ, तो परसेंटेज अगर वाइड अगर निकाले इसमें, अगर परसेंटेज वाइड निकाले तो 100 माइनस क्या हो जाएगा? 26। ये कितना हो जाएगा बताइए? उल्टा हो गया जी, उल्टा हो गया ना, मतलब उसमें पैकिंग फ्रैक्शन 74% आ रहा था, इसमें वाइड आ गया 74%। दिक्कत है नहीं ना। ये चीज़ तो कैलकुलेट सही किया हो ना, 26%, हाँ सही है ना, दिक्कत है नहीं ना। अभी तक हम लोग पढ़े थे ये एटम इन दोनों को टच कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 2। अब इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है, एसएससी में कहीं से भी देख लो, कोऑर्डिनेशन नंबर जो था वही आ रहा था। कॉर्नर से देखो, कहीं से देखो, बॉडी सेंटर में बॉडी से देखो, कॉर्नर से देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। एफसीसी में कॉर्नर से देखो, फेस से देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, है ना। लेकिन इसमें गड़बड़ हो जाएगा, देखो सेंटर बॉडी एज सेंटर वाले से देखोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 2। लेकिन अगर इससे देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। ये कितना डिस्टेंस पे है? a/2 डिस्टेंस पे है, a/2 डिस्टेंस पे है ना। a/2 डिस्टेंस वाला कितना मिलता है? 6 मिलता है। तो एज सेंटर में डिपेंड करता है कि किस एटम से देख रहा है। एज सेंटर वाला से देखोगे तो 2 आएगा, और कॉर्नर वाले से देखोगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। प्रॉब्लम है नहीं ना, कॉर्नर वाले से देखोगे तो क्या आएगा? 6 आएगा, दिक्कत नहीं है ना। हाँ, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर करके हम लोग कुछ लिखेंगे नहीं, इसमें 2-2 आ रहा है, तो इसमें कुछ लिख के नहीं रखना, हम लोग समझ के रखना कि एज सेंटर वाले से 2 कोऑर्डिनेशन नंबर और इससे कितना आ रहा है? 6 आएगा, दिक्कत है नहीं ना। हाँ, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड सेंटर, है ना। एंड सेंटर भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा दें। एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। एंड सेंटर में, है ना, एटम जो प्रेजेंट होगा कॉर्नर प्लस एनी टू अपोजिट फेस सेंटर, एनी टू अपोजिट फेस सेंटर, है ना, कॉर्नर प्लस एनी टू अपोजिट फेस सेंटर। प्रॉब्लम है नहीं ना। इसका मतलब क्या है वो देखिए, इसका मतलब क्या है? कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट होना ही होना है ना, कॉर्नर पर रेड वाला को हम किससे दिखा रहे हैं? कॉर्नर से, है ना। कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट होगा ही। अब कोई भी दो अपोजिट फेस सेंटर, मतलब अगर इस फेस पे प्रेजेंट है तो कहाँ होगा? इस फेस पे प्रेजेंट होगा, मतलब ये फेस वाला इसको क्या करोगा? टच करोगा इसको, टच कर रहा होगा इसको, टच कर रहा होगा इसको, टच कर रहा होगा, है ना। वैसे ही ये फेस वाला इसको टच कर रहा होगा,
इसको टच कर रहा होगा, इसको टच कर रहा होगा, और इसको भी क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा, दिक्कत है नहीं ना। बाकी ये चार फेस जो है, ऊपर वाला, नीचे वाला, लेफ्ट मेरे से लेफ्ट और मेरे से राइट वाला फेस क्या है, ये उसमें कोई एटम नहीं है ना। तो सबसे पहले इसमें लैटिस पॉइंट निकाल दे, कितना आ जाएगा बताओ, 8 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 10, दिक्कत है नहीं ना। अब एज लेंथ और, एज लेंथ और आर में क्या रिलेशन होगा, एफ सी सी जैसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, रूट टू इजकल टू क्या हो जाएगा, 4R, ये रूट टू इजकल टू क्या हो जाएगा, 4R हो जाएगा ना। इसका 2R, इसका R, इसका इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए इसका फास्ट भगा रहे हैं ना। रूट टू इजकल टू क्या हो जाएगा, 4R, प्रॉब्लम नहीं है, है ना। हाँ, अब इसमें हम लोग क्या उसका जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करते थे, जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 8 कॉर्नर इंटू 1/8 प्लस कितना फेस पे प्रेजेंट है, दो ही फेस सेंटर प्रेजेंट है, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2, है ना, कितना हो जाएगा बताओ, 1 प्लस 1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। अब यहाँ से वॉल्यूम ऑफ एटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना, 2 × 4/3 पाई आर क्यू, है ना। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या, ए क्यू, है ना, ए क्यू क्या हो जाएगा बताओ, 4R बाई रूट टू का क्या हो जाएगा, क्यू, है ना, ये पता चल गया। तो पैकिंग फ्रैक्शन भी कैलकुलेट हो जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन भी कैलकुलेट हो जाएगा, कितना, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, है ना। एक बार करके बताओ तुम, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ एटम यूनिट सेल कैलकुलेट करके बताओ तो कितना आ रहा है, जल्दी से, हाँ, पाई बाई, पक्का किए हो क्या, पाई बाई 12, गड़बड़ नहीं ना जी, पाई बाई ट्वेल्व रूट टू, अच्छा, पाई बाई 12 रूट टू। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना आएगा, एक बार चेक कर लेना, है ना, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को दिक्कत ना हो, मतलब है ना, कहीं गलत होगा तो फिर दिक्कत है। कितना आ रहा बताओ, 18.18 18.18, एक बार तुम लोग भी देखो करके, कितना आ रहा है जल्दी से, है ना। ऑनलाइन वाले भी कैलकुलेशन कर लेंगे कितना है ना, कुछ करना नहीं, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ एटम रखना और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल रखना है ना, है ना, 18 पॉइंट कन्फर्म, वही तो, एक बार चेक कर लो, एक बार बाकी लोग को भी चेक करने दो, है ना, बाकी लोग को भी जल्दी से चेक करके बताओ जल्दी से। वो गलत लग रहा है कुछ, कितना, वही तो हम बोल रहे थे, कितना आ रहा था, कितना आ रहा शशि, पाई बाई, बता जल्दी, थर्टी सेवन पॉइंट, ये कितना आ रहा है, ये पाई बाई, अरे यार हम कर देते हैं, रुक जाओ, पाई बाई 6√2 आ रहा है क्या, पाई बाई 6√2, है ना। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना आ जाएगा बताओ, पाई 6√2 × 100, कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, ये 37 पॉइंट, है ना, 37.01, है ना, अप्रॉक्स में, है ना, इसको चेक कर लेना एक बार, है ना, कितना आ रहा है। वैसे इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब है ना, 37 पॉइंट समथिंग आया, ठीक है ना। तो परसेंटेज वाइज इसमें कितना आ जाएगा बताओ, 100 − 37.01, हाँ वही कर लेना है, ठीक है ना।
ठीक है ना, इसको हम लोग ब्रीफ करते हैं बेसिकली, है ना, हम लोग क्या क्या आज पढ़े बेसिकली, एक बार नोट कर लो, फिर ब्रीफ करते हैं, समराइज कर देते हैं। देखो हम लोग ऐसा, हम लोग पढ़े आज, हम लोग पढ़े यूनिट सेल के बारे में। किसके बारे में पढ़े? यूनिट सेल हम लोग पढ़े। यूनिट सेल क्या होता है? किसी भी क्रिस्टल का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है। हम लोग देखे, देर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेकेंड वन इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। हम लोग ऐसा देखे, प्रिमिटिव में एक ही पार्ट आ रहा था और नॉन प्रिमिटिव में चार पार्ट आया है ना। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? एटम इज ऑनली प्रेजेंट एट कॉर्नर। नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या था? एटम इज प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज सेंटर, ठीक है। हम लोग प्रिमिटिव में पढ़े सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम बस कहाँ प्रेजेंट होता है? कॉर्नर पे। कॉर्नर प्रेजेंट होता है, जेड इफेक्टिव 1, लैटिस पॉइंट 8, पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ रहा था? 52 पॉइंट। पैकिंग एफिशिएंसी कितना आ रहा था? 52.4%। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? कॉर्नर और बॉडी के सेंटर पर। लैटिस पॉइंट कितना हो जाएगा? 9, ठीक है। लैटिस पॉइंट कितना हो गया? 9, है ना। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट किए थे जेड इफेक्टिव कितना आ रहा था? 2। पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट किए थे तो 68%। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा था? 8। कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत सी बॉडी सेंटर में कितना? 8। उसके बाद हम लोग पढ़े एफसीसी, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर में एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता? कॉर्नर और फेस सेंटर पे। लैटिस पॉइंट 8+6=14, ठीक है। जेड इफेक्टिव 4 आ रहा था। पैकिंग एफिशिएंसी क्या आ रहा था? 74%। हम लोग ऐसा देखें कि मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी आ रहा है 74%। आगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उसमें भी देखेंगे तो उसमें भी 74% आएगा पैकिंग एफिशिएंसी। तो हम लोग सिंपली हम लोग बोलते हैं पार्टिकल का रेगुलर में जो 3D अरेंजमेंट होता है ना, 3D में पार्टिकल का 3D में जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है उसमें मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी 74% ही आता है, उससे ज़्यादा पैक एफिशिएंसी नहीं जाता। अब वो होता है एफसीसी का, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का, और एचसीपी का, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम लोग देखें, कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी में कितना देखें? 12, ठीक है। उसका एज सेंटर देखें, एज सेंटर में हम लोग ये भी देखें कि एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। कॉर्नर और एज सेंटर पे 8 कॉर्नर और 12 एज कितना हो जाएगा? लैटिस पॉइंट 20, है ना। पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह कैलकुलेट किए थे, है ना। उसका एंड सेंटर देखें, एंड सेंटर में एटम कॉर्नर रिप्रेजेंट था और एनी टू अपोजिट फेस सेंटर रिप्रेजेंट था। दिक्कत है, नहीं ना। एफसीसी में एक चीज़ और एक्स्ट्रा पार्ट पढ़ाए थे जो आगे हम लोगों को पढ़ना था नेक्स्ट क्लास का, वॉइड के बारे में। हम लोग ऐसा देखे थे कि एफसीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 4 आ रहा था, तो 4 ऑक्टा आ रहा था वॉइड, और 8 कितना आ रहा था? टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ बन रहा था? हर एक एज के सेंटर पर बन रहा था और एक बॉडी सेंटर पर बन रहा था। और टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ बन रहा था? कॉर्नर से √3/4 डिस्टेंस पे बन रहा था। अब 8 कॉर्नर था तो हर एक कॉर्नर से √3/4 डिस्टेंस पे बन रहा था एक टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 8 कॉर्नर से कितना बन जाएगा? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। ठीक है ना। तो ये यूनिट सेल और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर, एफसीसी, ये सब में क्या था, सबका क्या था, स्मॉल क्या था, डिस्क्रिप्शन था, है ना। ठीक है, ठीक है। दिस इज स्मॉल डिस्क्रिप्शन ऑन यूनिट सेल, है ना, और उनके डिवीजन पे ये स्मॉल डिस्क्रिप्शन था, है ना। बाकी का नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, है ना। ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके, है ना।